आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ गाइस डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में, जहाँ ना तो गाइस कोई ट्रीज होते हैं ना तो कोई एनिमल्स होते हैं, इसीलिए गाइस यहाँ पे सरवाइव करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। बट गाइस आज मैं यहीं पे 100 डेज सरवाइव करूंगा, वो भी माइनक्राफ्ट के हार्डकोर वर्ल्ड में। तो गाइस क्या हम यहाँ पे 100 डेज सरवाइव कर पाएंगे, तो आपको ये देखने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक रहना पड़ेगा। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्पॉन होते ही मैंने अपने चारों तरफ देखा, शायद कुछ दिख जाए, बट कुछ नहीं दिखा। फिर मैं आगे चला तो गाइस वहां पे डेड बुश थी, उसने मुझे स्टिक भी नहीं दी। फिर थोड़ी ही आगे जाके गाइस वहां मैंने रैबिट देखे, मैंने सोचा गाइस इनको पकड़ लेता हूं, पर गाइस वो काफी तेज था तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर आगे मुझे डेड बुश से एक स्टिक मिली, स्टिक मिलने के बाद गाइस मुझे पूरी हैरी पॉटर वाली फीलिंग आ रही थी, बस इस स्टिक में कुछ जादू नहीं था। तो स्टिक से गाइस हमने काफी सारे शुगर केन कलेक्ट किए, और शुगर केन तोड़ते तोड़ते गाइस मेरे पैरों के नीचे से जमीन भी निकल गई थी, पता नहीं गाइस ये कैसे हुआ, पर मैंने शुगर केन तोड़ने पे फोकस किया। फिर गाइस घूमते घूमते हमें एक विलेज मिला, वहां मैंने सबसे पहले जाते ही बेड उठाया, फिर वहां की चेस्ट खाली की, चेस्ट भी अपने साथ ही रख ली। फिर मैंने वहां से काफी सारा हेबल उठाया, फिर मुझे अपने वर्ल्ड की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिली, जो कि था गाइस एक ट्री। फिर मैंने गाइस ट्री को कट किया, फिर मैंने उससे एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई, और यहाँ के सारे फार्म से मैंने फूड को कलेक्ट किया। और फिर गाइस रात हो गई थी तो मैं वहीं पे सो गया, सुबह उठकर मैंने फिर से फूड कलेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर मुझे थोड़ी और हेबल दिखी तो मैंने हो बनाना सही समझा और हेबल को कलेक्ट कर लिया। फिर मैंने एक वुडन की पिकेक्स बनाई और स्टोन को कलेक्ट किया, और फिर मैंने गाइस एक स्टोन की पिकेक्स बनाई और थोड़ा सा स्टोन और कलेक्ट किया। फिर मैंने एक स्टोन की स्वॉर्ड बनाई और आयरन गोलम को मार के वहां से आयरन कलेक्ट किया, इसने गाइस हमें 4 आयरन दे दिए थे। फिर मैं गाइस ऊपर की साइड गया, वहां पे गाइस हमने थोड़े से प्लैंक कलेक्ट किए और वहां पे गाइस हेबल भी थी तो हमने वो भी कलेक्ट कर ली। फिर मैं गाइस उसके भी थोड़ी और पर गया तो गाइस वहां पे भी हेबल थी तो मैंने वो भी कलेक्ट कर ली। और विलेजर्स का घर चेक किया तो वहां पे गाइस कुछ था नहीं, तो मैं वापस नीचे की तरफ आ गया। और जो हमने ट्री कट किया था गाइस वहां से हमें 2 सैपलिंग मिल चुकी थी। फिर रात हो गई थी तो गाइस मैं वहीं पे सो गया। सुबह होते ही गाइस मैंने ये स्टोन का फाउंटेन था गाइस यहां से मैंने काफी सारा स्टोन कलेक्ट किया, और फिर गाइस मैं आयरन कलेक्ट करने के लिए माइनिंग पर चला गया। और माइनिंग करते करते गाइस हमें डर्ट भी मिली तो मैंने वहां से गाइस काफी सारी डर्ट भी कलेक्ट कर ली, और नीचे जाते जाते गाइस हमने काफी सारा आयरन कलेक्ट कर लिया और थोड़े बहुत हमने कोल भी कलेक्ट कर लिया। ऊपर आते ही गाइस मैंने फर्नेस बनाई और सारा आयरन स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। फिर रात हो गई थी गाइस तो मैं वहां पे सो गया। सुबह होते ही गाइस मैंने एक्स्ट्रा चीजें चेस्ट में डालनी शुरू करी, और जो हमें सैपलिंग मिली थी गाइस मैंने उनको भी प्लांट कर दिया। फिर मैंने फर्नेस से आयरन कलेक्ट किया और अपने लिए आयरन के टूल्स और आयरन का आर्मर बना लिया। फिर गाइस मैं पूरे के पूरे आयरन के आर्मर के साथ रेडी था। फिर मैंने गाइस एक वाटर बकेट बनाई और फिर थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए मैं निकल गया। और मुझे गाइस एक और विलेज मिला, वहां से गाइस मैंने ब्रीडिंग स्टैंड, थोड़े बहुत ब्रेड, आयरन और स्टोन कटर उठा लिया, और वहीं पे रात हो गई थी तो गाइस मैं वहीं एक विलेजर के बेड पे सो गया। फिर गाइस मैं थोड़ी और आगे गया तो मुझे एक और विलेज मिला, वहां से गाइस मैंने हेबल कलेक्ट करी, और वहां से गाइस मुझे चेस्ट में 2 डायमंड भी मिले। फिर गाइस मैंने वहां से कार्टोग्राफी टेबल और एक और ब्रीडिंग स्टैंड उठा लिया, और वहां पे गाइस काफी और हेबल थी तो गाइस मैंने वो भी कलेक्ट कर ली। और फिर उसके बाद रात हो गई थी गाइस तो मैं वहीं पे विलेजर के बेड पे सो गया। और गाइस वहां से मैं अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि आइस बियर्स ने मुझ पर हमला कर दिया, और गाइस मैं इन्हें मारना नहीं चाहता था, पर गाइस उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया तो मुझे इन्हें मारना पड़ा। फिर गाइस मैं अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते मुझे एक रुइन पोर्टल दिखा, फिर वहां की चेस्ट से गाइस मैंने एक गोल्डन एपर और सिल्क टच वाली शवल उठा ली। वो सब कलेक्ट करने के बाद गाइस मैं अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि रात हो गई थी और मैं एक विलेजर के घर में सोने के लिए जा ही रहा था कि ज़ॉम्बीज ने मुझ पर हमला कर दिया। फिर मैंने उन सबको मारा और आराम से वापस सो गया। सुबह उठते ही गाइस मैंने यहाँ के सारे फार्म से वुड और डर्ट को कलेक्ट किया। और एक विलेजर के घर से भी गाइस मैंने वुड और कोबलस्टोन कनेक्ट किया। फिर गाइस रात हो गई तो मैं गाइस हो गया, और उठते ही गाइस मैंने वुड कलेक्ट किया और अपने बेस के लिए सैंड भी कलेक्ट कर ली, और सैंड से गाइस मैंने सैंडस्टोन बनाई और उसे गाइस मैंने कट सैंडस्टोन में कन्वर्ट कर दिया। फिर गाइस मैंने काफी देर तक सैंडस्टोन कलेक्ट किया। उनको भी गाइस मैंने कट स्टोन बना लिया। फिर गाइस मैंने अपने बेस के लिए काफी सारा एरिया क्लियर किया।
उसके बाद गाइज मैं माइनिंग पर चला गया और मैंने वहाँ से गाइज काफ़ी सारे डायमंड कलेक्ट किए। ऊपर आते ही गाइज मैंने अपने लिए डायमंड के टूल्स और डायमंड का आर्मर बनाया। फिर गाइज मैं डायमंड के आर्मर के साथ बिल्कुल रेडी था। फिर गाइज काफ़ी देर तक हमने काउस को ब्रीड करवाया, काफ़ी सारा शुगर केन कलेक्ट किया, नेदर पोर्टल से जाकर मैंने ऑब्सीडियन भी कलेक्ट कर लिया था और वहाँ पे गाइज एक गोल्ड ब्लॉक था तो गाइज मैंने वो भी ले लिया। फिर मेरे विलेज में एक वंडर ट्रेडर आया जो कुछ खास सामान नहीं दे रहा था तो गाइज मैंने उसको छोड़ दिया और वहाँ से गाइज मैंने लीश और लेदर ले ली। उसके बाद गाइज मैंने अपने लिए एक एन्चेंटिंग और विलेजर्स को लाइब्रेरियन की जॉब्स भी दे दी और फिर लग गया गाइस मैं अपने बेस को बनाने में। तो गाइस हमारा बेस बनकर बिल्कुल रेडी है और हम भी गाइस पूरे के पूरे डायमंड आर्मर के साथ रेडी हैं। तो अब गाइस आप चाहते हो कि मैं अंडर ड्रैगन विदर और वॉर्डन को मारूं तो आपको कुछ नहीं करना होगा गाइस, आपको वीडियो को एक लाइक कर देना है। वीडियो का लाइक एम बस 20 लाइक्स है और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलूंगा गाइस आपसे एक और नई माइनक्राफ्ट की मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।